गुजरात चुनाव का दूसरा चरण है आज। 93 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं 833 उम्मीदवार। पीएम मोदी भी आज गांधीनगर में मतदान करेंगे। और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी के खेमे में आपको नजर आ रही है ताकि वोटर्स को मतदान सेंटर्स पर, पोलिंग सेंटर्स पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाया जा सके, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बार इसे लेकर खास कोशिशें की गई हैं। ये देखिए, इस वक्त हमें खास जगह मौजूद हैं। ये वडगाम का एक छोटा सा होटल है। अच्छा। पानी की बोतलें बता रही हैं, यहाँ की स्थिति बता रही है, लोगों की हालत बता रही है, रात भर जगे हुए हैं कि उम्मीदवार की हालत क्या है। केम छो अगर उम्मीदवार से पूछा जाए तो यहाँ अंदाजा लगता है। हम वडगाम में हैं जहाँ से पिछली बार की त्रिमूर्ति आपको याद होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। तो हार्दिक और अल्पेश ये दोनों तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन वडमान से जो निर्दलीय विधायक थे जिग्नेश मेवानी, वो इस वक्त मौजूद हैं। अभी सो करके लगता उठे हैं कि रात भर सोए ही नहीं? नहीं सोए नहीं, जागने का दिन है, लोकशाही का पर्व है। तो सबसे पहले तो पूरे गुजरात के सेकंड फेज में न केवल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ इस सेकंड फेज में कवर होने वाली, उसके सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं और सभी से विनती अपील। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी में मानते हैं, पहला कर्तव्य बतौर नागरिक है कि मतदान करें, दबाकर करें, और यही कहना चाहूंगा। हम लोग नहीं, ये जो लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं आपके समर्थक भी यहाँ, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि सभी लोग, लगता है उसके ऊपर भी फोन रखा हुआ है, लगता है मतदाताओं को लगातार रात भर फोन किए गए हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। हाँ, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा। किसी को कोई छोटा मोटा दिक्कत है, कोई टेक्निकल इश्यू आया, BOL के संपर्क में रहना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कॉन्टेक्ट करवाना और लोग अच्छा मतदान करें, उसके लिए जो आखिरी की 6 बोल में 20 रन करने पड़ते हैं ना। लेकिन कहा जा रहा है जो त्रिमूर्ति थी पिछले चुनाव की, जिसने बीजेपी की नाक में दम कर दिया, 99 versus 77 हो गया, आप अकेले बचे अब? मैं बीजेपी की नाक में दम करने के लिए और नाक काटने के लिए, दोनों के लिए मैं काफी हूँ। और जिस तरीके के बयान आपने कहा कि नाक काटने के बाद, ऐसे ही बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के नेता लगातार उनको गाली देते हैं, कभी रावण कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी नीच कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं। बहुत बेचारे रोते हैं, बहुत बहुत दुखी है, नहीं कुछ ज्यादा ही तकलीफ है उनको, सीना तो 56 इंच का, और रोने पड़ते गुजरात में आकर। बात करो ना, 3000 का तेल के डिब्बे का दाम कब करोगे? मोरबी में जिस कंपनी के कारण 150 लोगों की जान गई, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कब रुकेगा ड्रग्स का काला कारोबार? उस पे नहीं बोलेंगे। अपनी बातचीत आप जारी रखें और ये भी जरा इनसे पूछ लें कि अब पहले फेज में 10 साल से सबसे कम वोटिंग हुई है, इसकी वजह इन्हें क्या लगती है? अब इतनी पुरानी पार्टी, इस मुल्क में सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का, लड़वाने का किसी को अनुभव है, उस पार्टी को नसीहत की जरूरत है। अच्छा, एक बात और है कि जो पहले चरण का मतदान था उसकी बात करें तो प्रतिशत वोट प्रतिशत काफी कम रहा। क्या ये कांग्रेस के लिए विपक्षी पार्टी को खतरे घंटी है, क्योंकि विपक्ष का वोट बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, बीजेपी के लिए घाटा है, नुकसान होगा। 3000 का तेल का डिब्बा, 1100 का गैस का सिलेंडर, बच्चों और दवाई की फीस डालने क्यों नहीं जा रहे खिलाफ? क्योंकि भाजपा से गुस्सा है, भाजपा का जो वोटर है ना वो हिल गया है। अभी जो साइलेंट वोटर है ना, वो साइलेंट वोटर नहीं, साइलेंट मतलब विक्रांत, इस बात को हम ये समझे कि अगर वो राज्य सरकार से गुस्सा है तो उनके खिलाफ जाने की जहमत नहीं, अरे इसलिए वोट ही नहीं डाल रहे आपके साथ। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।